हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। दोस्तों, आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सडनली स्क्रीन ब्लू हो जाता है। ब्लू होने की वजह से दोस्तों आप किसी भी प्रोग्राम या फिर आइकॉन या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी आप कर नहीं पाते हैं, तभी आपको मेनी प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ता है। सो दोस्तों, टुडे हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम जो ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है, कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। दोस्तों, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आज किस बड़े पर मैं बात कर रहा हूँ। ब्लू स्क्रीन, ओनली ब्लू स्क्रीन, बीएसओडी का एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ब्लू स्क्रीन उसको भी बोला जाता है, बीएसओडी यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज किस बड़े पर हम बात करने वाले हैं ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। अगर दोस्तों आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे ग्लास स्क्रीन का प्रॉब्लम हुआ है या फिर व्हाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं पहले से ही वीडियो बना के रखा हूँ, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी बात कर लेते हैं कि ये जो ब्लू स्क्रीन होता है दोस्तों, इसका कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका जो यहाँ पे बिकॉज होता है कि जब कभी भी आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होता है, रैम में किसी भी तरह का फॉल्टी आने की वजह से दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा जो रीजन हो सकता है, आपका जो टास्कबार होता है दोस्तों, उसमें आप कुछ भी छेड़खानी कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एंड टास्क कर देते हैं, तभी दोस्तों ये प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है पूरी डिटेल पर हम जान लेते हैं। गाइस, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला जो मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे ब्लू स्क्रीन हो चुका है। मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा था मेरा लैपटॉप पर, ये सडनली मेरा जो स्क्रीन होता है ब्लू हो गया है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, स्क्रीन पर एरो भी मिल जाता है और पावर भी यहाँ पे ऑन है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको मैंने प्रॉब्लम तो फेस करने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, दो मेथड के जरिए दोस्तों जो आपका ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे 100% गारंटी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेथड में आपको यहाँ पे क्या करना है, चलिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपना कीबोर्ड से, अपना कंप्यूटर के कीबोर्ड से आपको यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट आपको यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक टास्क मैनेजर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा विंडो एक्सप्लोरर। देन आपको राइट क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे एंड टास्क कर देना है। एंड टास्क करने के बाद देन आपको यहाँ पे ऊपर में दोस्तों एक फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे रन न्यू टास्क पर क्लिक करना है। देन एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें मिलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है explorer.exe। देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना है दोस्तों explorer.exe, explorer.exe। लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ओके का एक ऑप्शन, ओके पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद चलिए मैं एग्जिट कर लेता हूँ। एग्जिट करने के बाद दोस्तों जो मेरा स्क्रीन है यहाँ पे आ चुका है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा कुछ ये पहले मेथड पर करना है दोस्तों, पहले मेथड पर करने के बाद चलिए दूसरे मेथड पर आपको क्या करना है, चलिए आपको बताता हूँ। दूसरे मेथड पर दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो लैपटॉप का पावर बटन है दोस्तों, आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस करके लॉन्ग प्रेस करके रखना है 5-10 सेकंड के लिए। लॉन्ग प्रेस करके रखने के बाद दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है यानी कि लैपटॉप है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, शॉट डाउन हो जाएगा। देन दोस्तों शॉट डाउन होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना लैपटॉप का जो पावर बटन को फिर से आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है 10 सेकंड तक। देन आपका यहाँ पे जो लैपटॉप है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद चलिए मैं यहाँ पे अनलॉक कर लेता हूँ इसको। अनलॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा स्क्रीन है दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से खुल चुका है। यहाँ इस तरीके से दोस्तों अपना ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी चैलेंज आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। आपने देख लिया कि जो अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आपको ये जो ब्लू स्क्रीन का प्रॉब्लम होता है, कैसे आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल पर बता दिया हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कॉजेस भी बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और भी ऐसे ऑसम वीडियो देखने के लिए डायनामिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।